दी की प्रतिज्ञा यात्रा यानी कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और प्रियंका गांधी अपनी प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। तमाम जिलों से यात्रा चलेंगी बाराबंकी होते हुए, और साथ ही साथ हम आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, प्रियंका गांधी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। बाराबंकी से बुंदेलखंड तक ये यात्रा जाएगी, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के यात्रा गुजरेंगी और जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की एक रैली होगी। साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है कि टिकटों में महिलाओं के 40% की हिस्सेदारी होगी, कांग्रेस पार्टी के भीतर लड़कियों को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी का भी वितरण किया जाएगा, यह भी प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा ली, और साथ ही किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। इसी को लेकर के ये एक बड़ी कवायद है, प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत आज की गई है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली होनी है। उससे पहले आज हम आपको बता दें कि बाराबंकी से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा को प्रियंका गांधी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। बाराबंकी से बुंदेलखंड तक ये यात्रा जाएगी, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होते हुए यात्रा गुजरेगी। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में इसके साथ ही प्रियंका गांधी की रैली होगी, सभा होगी, और महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे बड़ी प्रतिज्ञा इस बात को लेकर के कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 40% महिलाओं को टिकट देंगी। और इसे लेकर के प्रियंका गांधी ने पूरा एक कैंपेन भी लॉन्च किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आज प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हुई है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी के खेमे से? ये देखिए, यहाँ पर जो है जनपद इंटर कॉलेज का है, जो जयपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक मैदान में यहाँ कार्यक्रम था, और यहाँ पर प्रियंका गांधी 1 बजे पहुंची थी। यहाँ पर बाकी बची 6 प्रतिज्ञाओं को लेकर यहाँ पर घोषणा की गई है, उसमें किसान की कर्ज माफी है और कोरोना काल की मार झेल रहे उनको 25,000 रुपये देने की आर्थिक बात कही गई है, और बिजली का जो बिल है वो आधा करने की बात कही गई है, और किसानों के जो गन्ने के मूल्य है वो 400 रुपये यहाँ पर किया गया है, और 20,000 जो युवक हैं उनको, बेरोजगार युवक को यहाँ पर नौकरी देने की बात कही गई। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है जनपद इंटर कॉलेज के जो हरक मैदान है यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर चुनावी माहौल बनाया गया है। जी बिल्कुल रविंद्र, अगर इस पूरी यात्रा की बात करें, किस तरीके से यात्रा जो है अब वो चलेगी और कितने जिलों से होते हुए गुजरेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी क्या संदेश जनता तक पहुंचाना चाह रही है? देखिए, बाराबंकी से शुरू होगी आज से, यहाँ बाराबंकी को जो है, बाराबंकी में ये हरी झंडी दिखाई गई है प्रियंका गांधी के द्वारा, यहाँ से होकर लखनऊ होते हुए ये बुंदेलखंड और ये जो है झांसी में यात्रा समाप्त होने वाली है, और इसको लेकर चुनावी माहौल बनाया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां कर रखी है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है पीएल पुनिया, वो इसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अन्य नेता भी मौजूद हैं जिनके द्वारा ये प्रतिज्ञा यात्रा यहाँ पर जो है झारखंड तक जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी बीच हम एक और